अस्सलाम वालेकुम जी, आज का लेक्चर भी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। आज जो हम देखने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट। तो देखेंगे आज फर्स्ट लॉ की शेप या फार्मूला किस तौर पे हमारे सामने आता है, उसकी क्या बातें की पॉइंट्स हैं। तो मेन हेडिंग है हमारे पास फर्स्ट लॉ फॉर द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट। हम जानते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ आपने इससे पहले साइक्लिक्स पे लगाया था कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, आप वापस सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। मगर आज हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करने जा रहे हैं एक प्रोसेस पे जहां पे सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी कि जब आप प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम की, यानी एक सिस्टम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें जो चेंज और स्टोर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी जो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की, उसमें जो चेंज आएगी वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी किस चीज के, नेट हीट इंट्रैक्शन, यानी सिस्टम के साथ नेट हीट की जितनी भी इंट्रैक्शन होंगी माइनस नेटवर्क रन जो इंट्रैक्शन है ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव है, जो स्टोर एनर्जी सिस्टम की उसमें जो बदलाव है, वो हमें मिल सकता है कैसे, नेट हीट माइनस नेट वर्क को हम अगर देखते हैं। तो शुरू करते हैं ना, लेट से हम कहते हैं एक सिस्टम है उसकी, यानी जाता है एक स्टेट की चेंज में, जिसमें ऐसी स्टेट की चेंज है जिसमें हीट ट्रांसफर भी है और वर्क ट्रांसफर भी है, ठीक है, यानी दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो नेट एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी जो स्टोर होगी सिस्टम के अंदर, वो हम कैसे देखेंगे, तो हम कहेंगे क्यू अमाउंट थी जो हीट ट्रांसफर हुई टू द सिस्टम, डब्ल्यू वो वर्क था जो अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर हुआ सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो नेट कैसे निकालेंगे, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये वो एनर्जी होगी जो स्टोर में सिस्टम में स्टोर हो गई। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि क्यू हीट सप्लाई करेंगे तो जो डब्ल्यू उसमें वर्क की तौर पे आउटपुट पे आएगा। अब आपने क्यू हीट सप्लाई की, अगर उसमें से सारी इस्तेमाल ना हुई, कुछ वर्क में चली गई, जो बाकी बचेगी वो सिस्टम की स्टोर एनर्जी की सूरत में आ जाएगी, यानी सिस्टम की जो एनर्जी में बढ़ाव की सूरत में आ जाएगी कि बच जाने वाली एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो ये चीज आपने समझनी है। अब एक चीज हम जानते हैं, एनर्जी तो ना जो सिस्टम में स्टोर होगी वो हीट और वर्क की सूरत में तो है नहीं, तो हमने उसे नाम दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी। तो इक्वेशन वन की सूरत में लिखेंगे कि आपके पास डेल्टा ई बराबर आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू के। तो यहाँ पे जो ई इंटरनल लिखा हुआ है, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे सिस्टम की। अब हम जानते हैं सिस्टम में तो कई तरह की एनर्जियां होती हैं। अब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक केमिकल एनर्जी समझो नहीं है, और जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड्स हैं यानी पोटेंशियल और काइनेटिक, वो भी निग्लेक्टेड है। तो तब डेल्टा ई की जगह डेल्टा यू आ जाएगा, यानी माइक्रोस्कोपिक जो एनर्जी मोड था, इसका मतलब जो आपके पास हीट सप्लाई हुई, जो कुछ वर्क हो गया, अगर उसमें जो फर्क आया वो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में चला जाएगा। तो इसका मतलब जब आप हीट ऐड करते हो तो सिस्टम का टेम्परेचर राइज करता है, एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म होता है, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम फैलता है सिस्टम का। तो जो राइज इन टेम्परेचर है वो क्या बताता है कि इंटरनल एनर्जी में इजाफा हुआ। तो यहां से आपने इसी को लिखा यू टू माइनस यू वन बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। अच्छा, अब इसमें ये जो इजाफा था वॉल्यूम में, लेट से मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से कहता हूं कि एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें इंतहाई मामूली ना होने के बराबर यानी बदलाव आता है, इनफाइनिटेसिमली चेंज आती है। तो जो यानी उसके वॉल्यूम के अंदर थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स जिसे मैंने कहा है, तो हम इसे बोलेंगे इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस। आप इसी लॉ को इस सूरत में भी लिख सकते हैं जो इक्वेशन वन में था, डेल्टा की जगह डी डाल देंगे और क्यू के साथ ये वाला डेल्टा, डब्ल्यू के साथ भी ये वाला डेल्टा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपके पास पॉइंट फंक्शन है जबकि क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन पता है ना, यानी जो ग्राफ पे किसी एक पॉइंट पे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे इतनी एनर्जी है, तो जबकि आपके पास इसको हम पाथ फंक्शन के तौर पे लेते हैं कि आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है उसकी एनर्जी को, वर्क को और हीट को समझाने के लिए, इसलिए डेल्टा लगाया जाता है। तो ये हमारे पास जनाब आज था। आपने देखा कि ये स्टेटमेंट अब कल वाली स्टेटमेंट से थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है,
कल जो हमने साइकिल के लिए इक्वेशन बनाई थी वो तो आपके पास डेल्टा क्यू का जो क्लोज इंटीग्रल था वो बराबर था डेल्टा डब्ल्यू के क्लोज इंटीग्रल के। तो इसका मतलब अब आप जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो अब आपके पास फर्स्ट लॉ इस रूप में लिखा जा सकता है, और इन मोस्ट कॉमन फॉर्म में आप इसे इस तरह पे भी देखते हैं, डेल्टा यू बराबर है क्यू माइनस डब्ल्यू के। डेल्टा यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की चेंज को शो करता है, इन डेप्थ अब आपको पता होना चाहिए, ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो की जो चेंज आएगी उसको डील कर रहा होगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।